एक वृक्ष है अपने यहाँ जनतंत्र वृक्ष कहते हैं, क्या मकसद था उसे लगाने का, क्या है? देखिए, जब हमारा देश स्वतंत्रता आंदोलन से जूझ रहा था, जिसमें हम लोग स्वतंत्र हो रहे थे, उसी समय 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की गई थी। और उसी समय हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था, चाहे 1920 का आंदोलन हो या 1942 का आंदोलन हो। हमारे यहाँ के छात्रों ने, शिक्षकों ने बहुत भूमिका निभाई। और जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात थी, गर्व की बात थी, वो ऐतिहासिक दिन था। और 26 जनवरी 1950 को जब हम लोगों ने गणतंत्र को आत्मसात किया, संविधान को अपनाया, और उस संविधान के निर्माण में भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हजारों और सैकड़ों लोगों की भूमिका रही है। तो जब गणतंत्र की घोषणा हुई 26 जनवरी 1950 को, तो लाजमी था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी उत्सव का माहौल था। और ऐसे में हमारे विद्यार्थियों ने, यहाँ के तत्कालीन शिक्षकों ने बिरला छात्रावास में एक जनतंत्र वृक्ष लगाया, अशोक का वृक्ष, वो आज भी है। और वहाँ आज भी हम सब मिलकर सफाई करते हैं, श्रमदान करते हैं, और उस गणतंत्र के आज 73वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो हम लोगों को बधाई देते हैं, और निश्चित रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में और भारतीय संविधान के निर्माण में महती रहा है, अविस्मरणीय रहा है।